हेलो बच्चों, आज हम सर्कुलर मोशन का वीडियो नंबर 7 लाए हैं, जिसमें हम ये बात करेंगे कि जब कोई ब्लॉक किसी बाउल के ऊपर है ना, ऐसे सरफेस पे ऊपर रखा हो और उसको पुश वगैरह दे दे तो क्या होगा। यानी आज इस टाइप के टॉपिक का डिस्कशन होगा कि एक ब्लॉक मास m का यहाँ पे रखा है, ये एक स्फीयर है जिसका रेडियस r है और ये स्मूथ स्फीयर है, इसके ऊपर रखा है, इसको पुश दे दिया तो क्या इसकी वेलोसिटी होगी वगैरह वगैरह, क्या नॉर्मल रिएक्शन, क्या हमेशा इस पे रहेगा कि कभी गिर जाएगा तो कब गिरेगा, ये सारी बातें। सो माय नेम इज अलक पांडे एंड हमारा सबका चैनल फिजिक्स वाला। आज का टॉपिक है मोशन ऑफ अ ब्लॉक ऑन द स्मूथ सरफेस ऑफ बाउल, लिख ले इसको, कटोरे जैसा दिख रहा है, स्फीयर बोल लो, है ना, हॉलो स्फीयर बोल लो, जो बोलना चाहो। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दे दें कि इसके पहले का जो वीडियो था मोशन इन अ वर्टिकल सर्किल, वीडियो नंबर 6 सर्कुलर मोशन का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 hour 25 minutes का वीडियो, जिसमें मैंने वर्टिकल सर्किल की एक एक पॉइंट क्लियर किया है, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है, बॉल घूमते घूमते कब सर्किल को छोड़ देती है, कहां पर टेंशन क्या होगा, एंगल का क्या मीनिंग है, बहुत बढ़िया लेक्चर है। तो आप जरूर YouTube पे सर्च करिए मोशन इन अ वर्टिकल सर्किल फिजिक्स वाला, अच्छा है कि नहीं पता, यूजफुल है, अच्छा नहीं मैं नहीं बोल सकता, यूजफुल है, उसके अंदर टॉपिक सारे कवर्ड है। चलो, तो हमें मोशन ऑफ अ ब्लॉक ऑन द स्मूथ सरफेस ऑफ बाउल देखना है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे के सवाल बनते हैं, मान लो अभी तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में, अभी तो ये रुका हुआ है, अगर मैं इसको थोड़ा सा पुश दूं तो ऐसे ये फिसलने लगेगा, चिक 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 टूं, भाई क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये सरफेस से उड़ने लगेगा, इमेजिन करो दिमाग में, ये ऐसे चलेगा चिक 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 धम, ये होगा इसका मोशन। तो बहुत तरह के सवाल बनेंगे, जैसे पहला सवाल यही बन जाएगा कि भैया कहां पे आके गिरेगा, यहां से कितनी नीचे आकर ये गिर जाएगा, फाइनली सरफेस तो ये छोड़ देगा भाई, ऐसे गिरता ऐसे वर्टिकल होता जा रहा है ना, तो कहीं ना कहीं तो छोड़ देगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही बनता है कि कितनी हाइट नीचे आके छोड़ देगा, जिस टाइम छोड़ देगा उस टाइम इसकी स्पीड कितनी है, जैसे जैसे नीचे आएगा इसकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। तो ये सब सवाल करना है, पर अभी स्टार्ट करते हैं एक जनरल छोटे से सवाल से, फिर वहां तक पहुंचेंगे। मैं बोलता हूं कि इस पोजीशन का हमने नाम दे दिया x, इस पोजीशन का नाम दे दिया y, ये ब्लॉक शिफ्ट करता हुआ x से y आया, जहां तक एंगल हो गया है फाई, कितना एंगल हो गया फाई, हमसे क्वेश्चन पूछा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन ब्लॉक व्हेन इट रीचेस वाई, और इसमें आपको अज्यूम करना है, अज्यूम वेलोसिटी एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, यहां पे इसकी स्पीड जीरो है, सिर्फ थोड़ा सा टच किया है, टच करते ही ये मूव करने लगा है, वाई पे पहुंचा है, पूछा है कि वाई पे इसकी वेलोसिटी कितनी है और ब्लॉक पे लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन कितना है। अच्छा, क्या रोल है नॉर्मल रिएक्शन, सब समझ में आएगा। तो इसी तरह से मूव करता हुआ मान लो यहां वाई पे आ गया एम, इसकी वेलोसिटी यहां पे मान लो वी है, ठीक है भाई। अब इस एम पे लगने वाली फोर्सेस कौन कौन सी होंगी, वाई पे जब ये पहुंचा इस पे लगने वाली फोर्सेस, एक तो ग्रेविटी की फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड mg, एक नॉर्मल रिएक्शन कौन लगाएगा, ये सरफेस किसके ऊपर, मास m पे, ऐसे लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, पढ़ा होगा कि सर्किल का नॉर्मल रिएक्शन कैसा होता है, हमेशा सेंटर से पास करता हुआ होता है ना, नॉर्मल रिएक्शन सर्किल कैसा होता है, हमेशा सेंटर से पास करता हुआ। एक फोर्स और लगेगी बच्चों इसके ऊपर, या तो सेंट्रीपिटल लगा लो या सेंट्रीफ्यूगल लगा लो, दोनों तरह सही है। अगर आप इसको बाहर से ऑब्जर्व करोगे तो सेंट्रीपिटल लगानी पड़ेगी, है ना, और अगर आप अंदर बैठ के ऑब्जर्व करोगे तो सेंट्रीफ्यूगल। तो एक काम करते हैं, हम अंदर बैठ जाते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल किधर लगती है, बाहर, तो बाहर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग गई एम वी स्क्वायर बटे आर, हमने मान लिया इसकी स्पीड कितनी है वी, तो बाहर की तरफ एक फोर्स एम वी स्क्वायर बटे आर। अच्छा, तो जरा मास एम को ध्यान से देखो, इस पे लगने वाली एक तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी सर्कल से बाहर एम वी स्क्वायर बटे आर, और एक फोर्स नीचे की तरफ लग रही mg, ठीक है। एक काम करें बच्चों, ये एंगल फाई है तो ये एंगल भी फाई होगा, यस और नो, दिस एंगल विल बी फाई,
तो बच्चों mg का कंपोनेंट इसके अलोंग कितना आ जाएगा, कितना आएगा mg cos phi, सही है। इधर कंपोनेंट कितना mg cos phi, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, ये मास m इन सारी फोर्सेस के प्रेजेंस में किस पे है, रेस्ट पे है ना भाई साहब। फोर्स के प्रेजेंस में अगर इसके ऊपर ही बैठ के देखोगे तो किस पे दिखेगा, रेस्ट। हम इस मास के ऊपर बैठ गए ना, तभी तो हमने सेंट्रीफ्यूगल लगाई। सेंट्रीफ्यूगल तभी लगा सकते हैं जब आप जो चीज घूम रही है उसके ऊपर बैठ जाए, तो आपको वो चीज किस पे दिखेगी, रेस्ट पे। मतलब जितनी फोर्स इधर उतनी फोर्स इधर, दैट मींस वी कैन राइट इस तरफ नॉर्मल रिएक्शन है mv स्क्वायर बाय r और इस तरफ mg cos phi, n प्लस mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल्स टू mg cos phi। एकदम लिटरल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं क्या क्यों हुआ। नॉर्मल रिएक्शन लगा, mv स्क्वायर बाय r अंदर लगा, mg इधर लगा, mg कॉम्पोनेंट mg cos phi, बैलेंस कर दिया फोर्सेस को। यहां से नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हमें मिल गई कितनी है, mg cos phi माइनस mv स्क्वायर बाय r। तो ये हमें नॉर्मल रिएक्शन मिल गया, mg cos phi माइनस mv स्क्वायर बाय r, ठीक है। दिक्कत क्या है, v नहीं पता है। पहला पार्ट सभी तो ये था, फाइंड द वेलोसिटी। पहले पार्ट में वो वेलोसिटी ही पूछ रहे थे, सेकंड पार्ट में नॉर्मल रिएक्शन। आइए अब हम वेलोसिटी निकालने की कोशिश करते हैं। यहां तक क्लियर हो गई सारी चीजें, चलिए वेलोसिटी निकालते हैं। बच्चों जब ये x से चला और y पे पहुंचा तो इस बीच इसके ऊपर फ्रिक्शन की फोर्स तो लगी नहीं, एक ही फोर्स लग रही है ग्रेविटी वाली, एक और लग रही है नॉर्मल रिएक्शन। पर नॉर्मल रिएक्शन देखो कोई काम नहीं कर रहा, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर है इसके डिस्प्लेसमेंट पे, कोई वर्क नहीं कर रहा। अगर हम पूछें व्हाट इज द वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इन दिस केस, तो बोलोगे जीरो। भैया नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा और डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगा, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे डिस्प्लेसमेंट ऐसे, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे डिस्प्लेसमेंट ऐसे, हमेशा 90 डिग्री पे। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 पे, तो वर्क कितना होगा, जीरो होगा। चलो भाई बहुत बढ़िया। अगर कोई भी फोर्स वर्क नहीं कर रही, ना फ्रिक्शन है ना नॉर्मल रिएक्शन वर्क कर रहा, जब कोई भी फोर्स वर्क नहीं कर रही तो आप क्या लगा सकते हो, आप लगा सकते हो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। हमेशा मत लगा देना कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल, तभी लगा सकते हो जब कोई भी फोर्स वर्क ना कर रही हो। तो नॉर्मल रिएक्शन वर्क कर नहीं रहा, फ्रिक्शन है नहीं और कोई फोर्स प्रेजेंट है नहीं, तो भैया ये क्या बोलता है हमसे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये हमसे बोलता है पोटेंशियल एनर्जी एट x प्लस काइनेटिक एनर्जी एट x इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट y प्लस काइनेटिक एनर्जी एट y। तो x पे भैया पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, अब दिमाग लगाते हैं। हम बोलते हैं यहां पे हम यहां से हाइट लेंगे, ये हमारा बेस है, यही हमारा बेस है, हम यहीं से हाइट लेंगे। तो x पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, जीरो। प्लस काइनेटिक एनर्जी भी x पे कितनी है, जीरो, क्योंकि भैया कोई वेलोसिटी भी नहीं बोला है, जीरो, और बेस भी हमने ही ले लिया, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी एट y, अब y पे तो कुछ होगी क्योंकि नीचे चले गए, कितना नीचे गए हैं निकाल लें, आइए इसको फाइंड करते हैं कितना नीचे गए हैं। ये है, ये कितना है r, ये एंगल कितना है phi, इतना नीचे गए हैं, यही हाइट है ना, दिस मच। तो बच्चों ये r है, r का ये कंपोनेंट कितना होगा बोलो, ये r है ना, ये R है, R का ये कंपोनेंट कितना होगा, R cos phi। बच्चों ये पूरा भी R के बराबर है, ध्यान से देखो ये भी रेडियस है, ये R cos phi, बचा हुआ कितना हुआ R minus R cos phi। सो ये हो गई इसकी हाइट, इस जगह से हाइट मास m की या y की, y कितना नीचे है R minus R cos phi, जैसे वर्टिकल सर्किल में R plus R cos phi आ रहा था, क्लियर हुआ। ये R है, ये एंगल phi, तो ये R cos phi, पूरा R था उसमें से R cos phi माइनस किया, R माइनस R cos phi हो गई इसकी हाइट। अब आप पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो mg R माइनस R cos phi, और बच्चों इसके आगे लगा ले माइनस, क्यों, क्योंकि हम नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या लिखना पड़ेगा, नेगेटिव, बेस लाइन ये थी, बेस लाइन से नीचे आए तो माइनस, ये तो हो गई पोटेंशियल एनर्जी। प्लस काइनेटिक एनर्जी बच्चों क्या लिख सकते हो, हाफ एम वी स्क्वायर, यहां से आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, इधर पूरा जीरो है, स्टर्म को इधर ले आया मैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसको उठा के इधर लिख लेते हैं, तो हो जाएगा एम जी आर कॉमन वन माइनस कॉस फाई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, एम से एम कैंसिल, यहां से देखो वी स्क्वायर इज इक्वल टू इधर गया टू जी आर 1 माइनस कॉस फाइव। अब आपको v की वैल्यू चाहिए तो रूट लगा देंगे, तो v की वैल्यू देखो मैं यहां लिख रहा हूं, रूट लगाओगे क्या आएगी, अंडर रूट 2gr और क्या 1 माइनस कॉस फाइव।
अब इसमें से वेरिएबल क्या क्या है, आर और फाई। आप एग्जाम में क्या करोगे, फाई और आर की वैल्यू रख दोगे, आपको वी मिल जाएगा। जैसे ही वी मिल जाएगा, यहां रख दोगे, आपको नॉर्मल रिएक्शन मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया कंसेप्ट, कुछ कुछ समझ में आया कि इक्वेशन कैसे बनानी, नॉर्मल रिएक्शन बाहर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर, एमजे कॉम्पोनेंट, एमजी कॉस फाई। एक तो ये फोर्स वाली इक्वेशन और एक एनर्जी वाली इक्वेशन। एनर्जी वाली इक्वेशन में यहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो रखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी जीरो अगर वेलोसिटी जीरो दी है। फिर इस तरफ पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हाइट निकालनी है, हाइट ऐसे निकालनी डायग्राम बना के, आर आर का इधर कॉम्पोनेंट आर कॉस फाई, ये पूरा आर, तो हाइट कितनी हुई आर माइनस आर कॉस फाई, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। क्लियर है। चलिए अब इसी का मैं दूसरा सवाल आपको देता हूं। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे पास इसी का दूसरा सवाल आ गया कि फिर से वही ब्लॉक है मास m का ऊपर रखा है और अभी रेस्ट पे है और इसका रेडियस फिर से r है। अब की बार हमसे कहा कि इसको हमने थोड़ा सा पुश किया, बस हल्का सा ऐसे टच किया, तो हमसे पूछा किस जगह पे आके ये सर्किल को लीव कर देगा, कितने एंगल पर आके ये सर्किल को लीव कर देगा, इस स्मूथ स्फीयर को लीव कर देगा, एट व्हाट एंगल phi m will leave contact from surface, कितने एंगल पे आके ये सरफेस को छोड़ देंगे, ये सवाल आ गया है। ठीक है भाई साहब, अब मान लो ये यहां से चले 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 चले, यहां इनकी स्पीड कितनी है बोल दिया हमने जीरो, चले 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 चले, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चले 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 यहां पहुंचे। ठीक है, अब इन पे क्या लगेगा, यहां पे एक नॉर्मल रिएक्शन और क्या लगेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ, तो लगा दो एम वी स्क्वायर बटे आर, यहां पे वेलोसिटी कितनी मान ली वी, और कौन सी फोर्स लगेगी, एक लगेगी कौन सी एम जी, ये एंगल कितना हो जाएगा फाई, एम जी का इधर कॉम्पोनेंट एम जी कॉस फाई। तो यहां से अगर हम इक्वेशन लिखना चाहें, इस तरफ एन और एम वी स्क्वायर बाई आर, इस तरफ एम जी कॉस फाई, तो एन प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू एम जी कॉस फाई। यहां से एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम जी कॉस फाई माइनस एम वी स्क्वायर बटे आर। ठीक है, अब बोल रहा है कहां पे आके इट विल लीव सरफेस, इट विल लीव कॉन्टैक्ट। बच्चों लीव कॉन्टैक्ट का मतलब क्या हुआ, कि कॉन्टैक्ट खत्म हो गया, कॉन्टैक्ट खत्म तो कॉन्टैक्ट की फोर्स नॉर्मल रिएक्शन भी खत्म। कहीं अगर बोलता है कॉन्टैक्ट खत्म, इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया जीरो, इस जगह पे आते ही नॉर्मल रिएक्शन जीरो, स्पीड इतनी ज्यादा हो गई है, स्पीड इतनी ज्यादा हो गई है, इतनी ज्यादा हो गई है कि अब बॉडी बाहर भाग रही है, नॉर्मल रिएक्शन कितना पड़ गया जीरो, इतनी ज्यादा हो गई कि एम वी स्क्वायर बाई आर अपने आप किसको संभालने लगी, एम जी कॉस फाई को, नॉर्मल रिएक्शन की कोई जरूरत नहीं है, ये स्पीड की वैल्यू इतनी ज्यादा हो गई कि अब उसे नॉर्मल रिएक्शन की जरूरत नहीं है एम जी कॉस फाई को संभालने के लिए। तो इस जगह पे आके नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी हो गई जीरो, इफ इट लीव सरफेस। अगर ये टर्म जीरो हो गया बच्चों, तो एम जी कॉस फाई किसके इक्वल हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई आर। हाँ या ना, ये टर्म जीरो हो गया तो इसको इधर ले आओ, इसको उधर, यहां से m से m कैंसिल, यहां से v स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल रही है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी आर कॉस फाई, या आप बोल सकते हो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी आर कॉस फाई। इस स्पीड पे आके वो सर्किल को छोड़ देंगे, जब ये स्पीड होगी तब वो इस सर्किल को या इस सरफेस को छोड़ देंगे। पूछा है किस एंगल पे छोड़ेंगे, एट व्हाट एंगल फाई इट विल लीव द सरफेस, किस एंगल पर छोड़ेंगे, ये भी सवाल है। तो क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए, अब हम लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक पॉइंट एक्स एक पॉइंट वाई। ठीक है, तो अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं हो रहा, नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन क्या आएगा जीरो, फ्रिक्शन है नहीं, तो यू एक्स प्लस के एक्स इज इक्वल टू यू वाई प्लस के वाई। बहुत बढ़िया, एक्स पे पोटेंशियल एनर्जी, मैं कहता हूं इसी को क्या मान लो, बेस मान लो, इसको बेस मान लिया तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, यहां पे रेस्ट पे है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। वाई पे पोटेंशियल एनर्जी, चलो बताओ वाई पे पोटेंशियल एनर्जी,
इस जगह पे, तो हम निकाल चुके हैं ये r होगा तो ये कितना होगा r cos phi होगा, ये पूरा कितना है r, तो ये बचा हुआ कितना होता है r minus r cos phi, तो यहां से कितना नीचे आए r minus r cos phi, तो mg r minus r cos phi, और कैसे लोगे, नेगेटिव लोगे पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि नीचे आ रहे, प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, बोलो सही है। यहां पे हमने पोटेंशियल एनर्जी जीरो माना, फिर हम कितना नीचे जा चुके हैं वाई के लिए, तो हमने बोला ये आर है, दिस रेडियस इज आर, ये एंगल फाई, तो ये कितना होगा आर कॉस फाई, ये पूरा भी रेडियस आर था उसमें से आर कॉस फाई गया, कितना बचा आर माइनस आर कॉस फाई, तो पोटेंशियल एनर्जी एम जी आर माइनस आर कॉस फाई, माइनस लगा दिया क्योंकि नीचे, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। यहां से हम बोल सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम जी आर कॉमन वन माइनस कॉस फाई, बोलो सही है, इसको इधर ले आए, एम से एम मर गया, यहां से v square is equals to 2gr 1 minus cos phi। अब देखो इस v की वैल्यू दो मिल रही है, एक ये मिली इस वाले यहां से, इस वाली कंडीशन से, एक यहां से, दोनों को इक्वेट कर दो, तुम्हें चाहिए क्या phi, v तो चाहिए नहीं, v पूछा है phi पूछा है, एक v यहां से मिला, कैसे मिला, हमने बोला नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा क्योंकि लीव सरफेस, एक v यहां से मिला कि भाई जब इतना नीचे आएंगे तो स्पीड कितनी बढ़ेगी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, भाई ये जैसे जैसे नीचे आएगा स्पीड बढ़ती जाएगी, तो हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के ये निकाल लिया, तो एक वी स्क्वायर की वैल्यू ये मिली भाई साहब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, एक वी स्क्वायर की वैल्यू ये मिली भाई साहब नॉर्मल रिएक्शन जीरो करके, दोनों वैल्यूज को इक्वेट कर दो, सो यहां से वी स्क्वायर की वैल्यू जी आर कॉस फाई, यहां से वी स्क्वायर की वैल्यू टू जी आर वन माइनस कॉस फाई, तो हम लिख सकते हैं टू जी आर माइनस टू जी आर कॉस फाइव, यस और नो, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, सही है, यहां से इसको इधर ले आओ, थ्री जी आर कॉस फाइव, जी आर कैंसिल हो गया सबसे पहले, तो जी आर कैंसिल, तो टू कॉस फाइव इधर आया, प्लस थ्री कॉस फाइव इज इक्वल टू टू, थ्री कॉस फाइव इज इक्वल टू टू, यहां से कॉस फाइव इज इक्वल टू टू बाई थ्री, मिल गई कॉस फाइव की वैल्यू टू बाय थ्री, नहीं आया, एक वी स्क्वायर की वैल्यू ये है, एक वी स्क्वायर की वैल्यू ये है, ये किससे आई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये कहां से आया नॉर्मल रिएक्शन जीरो, दोनों को इक्वेट कर दो, नॉर्मल रिएक्शन क्यों जीरो किया क्योंकि कॉन्टैक्ट छोड़ दिया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्यों लगा दिया क्योंकि नीचे आया है तो स्पीड बड़ी होगी, खत्म यार, दोनों को इक्वेट कर दिया, जी आर कॉस फाइव इज इक्वल टू टू जी आर माइनस टू जी आर कॉस फाइव, जी आर कैंसिल, टू कॉस फाइव इधर आया, थ्री कॉस फाइव इज इक्वल टू कॉस फाइव इज इक्वल टू बाई थ्री, तो कितने एंगल पे छोड़ेगा कॉस फाइव इज इक्वल टू टू बाई थ्री, अभी देखो एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई है, मतलब एग्जाम में ये सवाल है सीधा मार सकते हो, cos phi is equal to 2 by 3 पे, या phi is equal to cos inverse 2 by 3, phi is equal to cos inverse 2 by 3, खत्म सवाल, चुटकी में सवाल खत्म, चुटकी में सवाल खत्म, नहीं क्लियर हुआ, cos phi is equal to 2 by 3 पे सर्किल को वो छोड़ देगा, अब देखो वो r पे डिपेंड नहीं कर रही है चीज, है ना, तो किसी भी रेडियस का स्फीयर हो कहां पे छोड़ेगा cos phi is equal to 2 by 3 पे सर्किल को छोड़ देगा, अपने स्फीयर को छोड़ देगा, अपने सरफेस को छोड़ देगा, अभी कहानी खत्म नहीं है, अभी तो बहुत सी बातें, पहले इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लो, हल्का सा, ठीक है, हल्का सा प्यारा सा छोटा सा न्यूमेरिकल, यहां मान लो एक मास m रखा है, ठीक है, वही पुराना अपना मास m, और हमसे बोला कि उसने कहीं पे आके सरफेस को छोड़ दिया, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एट व्हाट हाइट, यहां मैं रेडियस दे देता हूं, रेडियस r इज गिवन एज 15 मीटर, g की वैल्यू लेनी है हमको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्वेश्चन एट व्हाट हाइट बिलो द टॉप सरफेस द ब्लॉक m लीव्स कॉन्टैक्ट फ्रॉम बाउल सरफेस, एट वॉट हाइट बिलो टॉप सरफेस द ब्लॉक एम लीव्स कॉन्टैक्ट फ्रॉम बाउल सरफेस, कितनी हाइट पे आके कॉन्टैक्ट छोड़ देगा, अगला पार्ट वॉट इज द स्पीड ऑफ ब्लॉक एम एट दिस इंस्टेंट, जिस टाइम छोड़ रहा है उस टाइम ब्लॉक एम की स्पीड कितनी है, ट्राई करें खुद से इसको, कहां पे छोड़ेगा जहां पे कॉस फाई किसके इक्वल हो 2 बाई 3, ये हमको मिल गया, चलिए अब ट्राई करें इसको, कह रहा है कितनी हाइट नीचे छोड़ेगा
और कितनी स्पीड होगी जब छोड़ रहा होगा सरफेस को, जब कॉन्टैक्ट को लूज कर रहा होगा। तो ट्राई करें, आई विल काउंट थ्री फाइव टिल फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, कर लिया, सॉल्व हो गया। चलिए आइए देखिए, हमें पता है यहां पे जाके छोड़ देगा, हमने ये हाइट निकालनी थी, तो यार हमको पता है ये आर है, ये एंगल फाई है, ये आर कॉस फाई, ये कितना है आर कॉस फाई, पूरा कितना है आर, और ये बचा हुआ कितना होता है आर माइनस आर कॉस फाई। तो हाइट तो मेरे सामने शायद सीधी सीधी लिखी हुई है, एच इज इक्वल टू आर वन माइनस कॉस फाई, आर की वैल्यू 15 है, वन माइनस कॉस फाई, कॉस फाई कितना होगा हमें पता है कहां पे लीव करता है, कॉस फाई इज इक्वल टू 2/3 पे, तो वन माइनस 2/3, 3 - 2 कितना हो गया 1/3, कितना हो गया 5 मीटर। तो ऊपर से कितना नीचे लूज करेगा, यहां से कितनी नीचे आके 5 मीटर्स। आपसे पूछता नीचे से कितना ऊपर है, तो कितना हो जाता 10 मीटर्स, भाई रेडियस दे रखा है ना ये 15 मीटर, तो ऊपर से 5 नीचे, तो नीचे से 10 मीटर ऊपर। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि स्पीड क्या होगी इस इंस्टेंट पे, यहां पे आके इसकी स्पीड पूछ रहा है। तो यार स्पीड कैसे निकालें, कैसे निकालें, कैसे निकालें, अगर याद है एक्सप्रेशन तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो ये तो याद ही रखना, छोड़ता कहां पे है, cos phi is equal to 2/3, अकलमंदी नहीं है बार बार एग्जाम में कैलकुलेट करने पे, याद रखना कहां पे लीव करता है, cos phi is equal to 2/3, नोट्स को खूब रिवाइज करो, निकालने का तरीका है तुम्हारे पास, ऐसा नहीं नहीं है, पर टाइम ले लेगा। अब स्पीड पूछी है, तो स्पीड भी अगर याद है तो अच्छी बात है, अंडर रूट आर जी कॉस फाई है स्पीड, है ना, जो स्पीड आएगी वो आएगी अंडर रूट आर जी कॉस फाई। खैर नहीं याद है तो आओ निकाल लेते हैं, यहां पे लगेगा नॉर्मल रिएक्शन और बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर, नीचे की तरफ एम जी, ये एंगल होगा फाई, तो एम जी का इधर कॉम्पोनेंट एम जी कॉस फाई, इक्वेट करोगे तो बोलोगे एन प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर, बाहर लगा, और एम जी का इधर कॉम्पोनेंट एम जी कॉस फाई, बोला सही है। अब अगर यहां पे लीव कर रहा होगा सरफेस को, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा, जीरो, कॉन्टैक्ट टूट रहा होगा तो नॉर्मल रिएक्शन विल बिकम जीरो, ठीक है। तो एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू एम जी कॉस फाई, एम से एम कैंसिल, वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर कॉस फाई, या वी इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी कॉस फाई, सही है। तो यहां से वी निकाल सकते हो, आर की वैल्यू कितनी है 15, जी की वैल्यू कितनी है 10, कॉस फाई कितना है 2/3, तो यहां से 3 × 5 = 15, 5 × 2 = 10, 10 × 10 = 100, बाहर आएगा 10, तो स्पीड कितनी हो गई 10 m/s, तो किस स्पीड पे छोड़ेगा 10 m/s, किस हाइट पे छोड़ेगा, हाइट निकाल ली आपने कितनी आई 5 m ऊपर से, 10 m अगर नीचे से पूछता तो, क्लियर हुआ। तो याद करने को याद रखो कम से कम कि cos phi 2/3 है, वरना आपको दोनों कंडीशन लगा के निकालना पड़ेगा, इतना याद रखो, फिर स्पीड वाला निकाल लिया जाएगा यार वहीं पे, नॉर्मल रिएक्शन बाहर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर, mg cos phi इधर, इक्वेट किया, उसके बाद बोला नॉर्मल रिएक्शन जीरो होगा क्योंकि इसको छोड़ना है सरफेस को, फिर हमने इक्वेट करके v की वैल्यू निकाल ली, अंडर रूट rg cos phi आती है, याद नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग को याद हो जाता है, आपको नहीं याद है कोई बात नहीं, आप डिराइव कर लेना, क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो यार इससे रिलेटेड एक सवाल और बनता है लास्ट में, इसी टॉपिक से रिलेटेड एक सवाल और बनता है, आखिरी सवाल, कि मान लो इसी क्वेश्चन में जब हमने इसको ऊपर से बार बार छोड़ रहे थे, तो छोड़ने के बजाय इसको हम यू वेलोसिटी दे दें, ऐसा भी तो कर सकते हैं कि हम इसको यू वेलोसिटी से फेंक दें, इस केस में क्या होगा, ये जल्दी गिर जाएगा, ऑलरेडी इसके पास स्पीड है, इंग झक, इसको मान लो ऐसे इंग झिंग, इसको अगर तुम कस के रखे लो यहां से स्पीड देके इंग झक, तो अब फिर आपसे पूछ ले कितनी हाइट पे इट विल लीव द स्फीयर, वही सवाल पूछ ले, है ना, एट व्हाट हाइट, एट व्हाट एंगल फाई इट विल लीव द स्फीयर, कहां पे जाके सरफेस को छोड़ देगा, तो कुछ नहीं करना है, यहां पे आना है, इसकी वेलोसिटी को वी मानना है, नॉर्मल रिएक्शन बनाना है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर, यहां एम जी लगेगा, ये एंगल फाई होगा, एम जी का इधर कॉम्पोनेंट एम जी कॉस फाई होगा, फिर इक्वेशन लिखोगे एन प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू एम जी कॉस फाई, अब बोलोगे सरफेस को छोड़ रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन को जीरो कर दें, ये टर्म जीरो होगा, एम से एम कट जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर कॉस फाई आएगा, अब इसको बचा के रख लो वैल्यू को, अब एक इक्वेशन लगा दो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, तो यू एक्स प्लस के एक्स इज इक्वल टू यू वाई प्लस के वाई, इसको मैंने x बोला, इसको y बोला, पोटेंशियल एनर्जी x पे कितनी मानोगे जीरो, हमने मान लिया बेस है,
काइनेटिक एनर्जी एक स्पेस बार है देखो, क्योंकि इसके पास स्पीड है हाफ एम यू स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी वाई पे, अब वाई कितना नीचे होता है, आर माइनस आर कॉस फाई, तो एम जी आर माइनस आर कॉस फाई, साथ में लगा दो माइनस। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। अब वी स्क्वायर की एक वैल्यू यहां से आएगी, एक वहां से, दोनों को इक्वेट कर दो, फाई का आंसर आ जाएगा। कर लो, यहां से एम 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 कैंसिल हो जाएगा पहले, और टू से मल्टीप्लाई कर लो, एम 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 कैंसिल और टू से मल्टीप्लाई, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी आर कॉमन ले लो, वन माइनस कॉस फाई, और टू से मल्टीप्लाई बोला है तो टू प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, पूरी इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई किया तो टू टू कैंसिल हो गया, यहाँ पे टू एक्स्ट्रा आ गया, एम 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 हमने काट दिया। यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू देखो कितनी आ गई, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी आर, वन माइनस कॉस फाई। इस वी स्क्वायर की वैल्यू उस स्क्वायर की वैल्यू को इक्वेट कर दो, तो यहाँ पे वी स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर प्लस टू जी आर, वन माइनस कॉस फाई इज इक्वल्स टू जी आर कॉस फाई बोल सकते हैं। अब यहां से हमें कॉस फाई निकालना है, तो कॉस फाई कितना हो जाएगा हमारा, देखो टू जी आर माइनस टू जी आर कॉस फाई, तो यू स्क्वायर प्लस टू जी आर माइनस टू जी आर कॉस फाई को उस तरफ ले गया, तो कितना हो गया, थ्री जी आर कॉस फाई। टू जी आर कॉस फाई नेगेटिव में आ रहा है, उधर जाके प्लस टू जी आर, तो थ्री जी आर कॉस फाई। जी आर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो यू स्क्वायर बटे जी आर प्लस टू इज इक्वल्स टू थ्री कॉस फाई, है ना। जी आर से पूरी इक्वेशन, इसको जी आर से डिवाइड किया थ्री कॉस फाई, इसको जी आर से डिवाइड किया टू, इसको जी आर से डिवाइड किया यू स्क्वायर बटे। यहाँ से कॉस फाई निकालना है, थ्री को इधर ले आओ, कॉस फाई इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई थ्री जी आर टू बाई थ्री, दैट इज द आंसर। This is the value of cos phi. U square upon 3gr plus 2 by 3. Phi is equals to cos inverse of u square by 3gr plus 2 by 3. Clear है? तो अगर speed भी दे देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, method पूरा same है, speed दे दिया क्या हुआ, यहाँ के speed v माना, n mv square by बाहर, mg cos phi अंदर, फिर equate किया, normal reaction को 0 बोल दिया क्योंकि surface को छोड़ना है, उससे पहली condition मिली। दूसरी condition के लिए हम गए conservation of energy पे, potential energy 0, kinetic energy half mv square, mu square। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी एम जी आर माइनस आर कॉस फाई नेगेटिव में, प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ से वी स्क्वायर की दूसरी वैल्यू, दोनों को इक्वेट कर दिया और कॉस फाई का हमने एक्सप्रेशन बना लिया और आंसर मिल गया। तो ये था बच्चों मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑन अ कर्व स्फीयर या बाउल पे। ठीक है, चलिए बच्चों जाते जाते हम वो क्वेश्चन डिस्कस कर दें जो मोशन इन अ वर्टिकल सर्किल के लास्ट में हम एक क्वेश्चन आपको देकर गए थे और बोला था कि अगले वीडियो में समझाएंगे। तो ये वो क्वेश्चन है, तो जल्दी से इसको समझते हैं। आइए कि हमने पूछा था कि हमारे पास यहां पे एक शेल है, एक हॉलो शेल है, ठीक है, शेल है, और यहां पे एक बॉल थी, शेल का रेडियस आर है, ठीक है, और यहां एक बॉल थी। मैंने कहा इस बॉल को कम से कम कितनी वेलोसिटी से फेंकूं, कम से कम कितनी वेलोसिटी से कि यह कंप्लीट सर्किल घूम जाए। क्रिटिकल वेलोसिटी पूछ रहे हैं हम, इस ए पॉइंट से कम कितनी वेलोसिटी से फेंकें कि पूरा सर्किल घूम जाए, और ऑप्शन हमने आपको वही दिए थे, अंडर रूट टू जी आर, है ना, अंडर रूट थ्री जी आर, और क्या था, अंडर रूट फोर जी आर, और क्या था, अंडर रूट फाइव जी आर। तो अगर वर्टिकल सर्किल आपने पढ़ा हो या आपको याद हो कभी भी, तो क्रिटिकल वेलोसिटी सबसे नीचे वाले पॉइंट पे कितनी होती है, रूट फाइव जी आर से फेंकते हैं तो सर्किल पूरा हो जाता है, ऊपर जाके कितनी होती है, रूट जी आर वगैरह, पर यहां पे आंसर रूट फोर जी आर आ रहा है, यही हमने वीडियो खत्म किया था। तो ऐसा क्यों हुआ समझो, जब ये बॉल घूमते 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 यहां ऊपर आई, मान लो ये सरफेस पे, मान लो ये नहीं संभाल पाया तो बॉल गिर जाएगी भाई साहब, है ना, बॉल गिर के इस पे आ जाएगी। अब ये इसको क्या देगा, नॉर्मल रिएक्शन, नीचे क्या लगेगा, एम जी, और सर्किल में घूम रहा बाहर की तरफ एम वी स्क्वायर बाई आर। तो यार यहां पे ऐसा नहीं है कि हमें नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे दिक्कत क्या थी स्ट्रिंग वाले केस में, दिक्कत क्या थी, दिक्कत ये थी कि जब ये ऊपर आ रहा था इस जगह पे, एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पे आ रहा था, तो इसकी जो टेंशन थी वो किसको बैलेंस कर रही थी, एम वी स्क्वायर बाई आर और एम जी वगैरह को, मतलब वहां पर टेंशन होना जरूरी था, टेंशन नहीं होगा तो स्ट्रिंग अपनी स्लैक कर जाएगी, यही सब तो प्रॉब्लम था। तो हम बोल लेते मिनिमम टेंशन वहां पे जीरो कर लो, कम से कम टेंशन जीरो हो सकता है, इससे कम कुछ, यहां ये सब कोई सीन ही नहीं है। अरे यार यहां बॉल कंस्ट्रेंड मोशन में बंधी हुई है, यहां कंस्ट्रेंड था पर एक प्रॉब्लम थी स्ट्रिंग की, कि स्ट्रिंग स्लैक कर सकती है, तो मिनिमम टेंशन जीरो, यहां ये सब कोई इश्यू ही नहीं है।
नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है कोई इशू हुआ तो। जैसे बॉल तो ऐसे चिपक के जा रही है ना इस पे, तो अगर इस वाले ऊपर वाले सरफेस से बॉल चिपकी रही, दो सरफेस है मेरे पास, इससे चिपकी रही तो नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रहा होगा, कुछ इधर उधर गड़बड़ी हुई तो भैया नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं। तो पहली बात तो ये समझो इसमें कंस्ट्रेंट मोशन है, इसमें ये वाली कंडीशन लगनी नहीं कि नॉर्मल रिएक्शन जीरो, टेंशन जीरो, कुछ नहीं। इसमें सिर्फ एक चीज लगनी है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि बॉल को इतनी स्पीड से फेंको कि भैया यहां तक पहुंच तो पाए, है ना। तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर और आर कितना हो गया, टू आर, आर और आर टू आर। तो यहां आपकी एनर्जी, यहां की एनर्जी बराबर होनी चाहिए, बस यही कहानी है। तो हम बोले कि यहां की पोटेंशियल एनर्जी, इसको बी पॉइंट बोल दें, तो यू ए प्लस के ए इज इक्वल्स टू यू बी प्लस के बी। ए में पोटेंशियल एनर्जी कितनी, जीरो सरफेस पे। काइनेटिक एनर्जी ए पे बोलो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी, बी पे एम जी और कितनी हाइट है, टू आर, प्लस बी पे काइनेटिक एनर्जी कम से कम कितनी हो, जीरो। अगर यहां जाके वेलोसिटी जीरो भी हो जाए तो भी ये फिसलते हुए इनर्शिया की वजह से आगे बढ़ जाएगी, पूछा ना कम से कम कितनी स्पीड हो। तो यहां पे जाके भाई हम ये मान लेते कि इतनी स्पीड थी, बस किसी तरह से यहां पहुंच गए, समहाउ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया, किसी तरह से यहां पहुंच गए, उसके बाद तो मोशन आगे कंटिन्यू कर ही लेगा। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी रख दी, जीरो, खेल खत्म हो गया, एम से एम मर गया। वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर जी आर, वी इज इक्वल्स टू रूट फोर जी आर। तो याद रखेंगे वी इज इक्वल्स टू फाइव जी आर, यहां वाले में सही है कहानी, इसमें ये नहीं लगाना है, क्यों, इसमें ऑलरेडी कंस्ट्रेंट है, इसमें नॉर्मल रिएक्शन टेंशन का कोई सीन ही नहीं, इसमें सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इतनी स्पीड दे दो कि ऊपर तक पहुंच जाए, एक बार पहुंच गई तो सर्किल कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई साहब ये था ये पूरा वीडियो, चलिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।